बरगटी एक्सरसाइज कर रही होती है क्योंकि उसे 10 दिन में पतला होना होता है। और जहाँ पर ये बरगटी एक्सरसाइज कर रही होती है उसी कमरे के बाहर खड़े होकर आरोही सैफाली से बात कर रही होती है जानबूझकर। और ये बरगटी भी आरोही की बातें सुनने लगती है कान लगाकर। आरोही कहती है कि वो जो हमने यूट्यूपिया से मंगाई थी ना दवाई पतला होने की, सिर्फ खाओ और पतले हो जाओ 10 दिन में। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हम मोटे हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पानी होता है, 10 दिन में पतले हो जाएंगे अचानक से। और वो दवा मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए मैं उसको फेंक दूंगी। और बरगटी इतनी बेवकूफ़ होगी, मैंने सोचा नहीं था। और वो इसके झांसे में आ जाती है। और इधर अर्जुन कुछ पैसों की बातें कर रहा होता है और वो आरोही सुन लेती है। और आरोही उन पैसों को चुराने की सोचती है। तो यहाँ पर दो चोरनियाँ अपने मिशन पर निकलती हैं। बरगटी जाती है आरोही के कमरे में वो दवा चुराने के लिए, और आरोही जाती है इस बरगटी कमरे में मास्टर की चुराने के लिए। आरोही उस की से अर्जुन का लॉकर खोलती है, लेकिन उसमें तो सिर्फ एक फोटो निकलती है। लेकिन किसी तरह से वो पैसा आरोही को मिल जाता है। रात को आरोही अर्जुन से कहती है कि ये लो जाके आग जला दो जरा, लेकिन डर की वजह से अर्जुन आग नहीं जलाता है, कहीं उसमें बम तो नहीं रखा हुआ है ना। आरोही कहती है कि मैंने इसमें कोई बम नहीं रखा है, मैं खुद जला देती हूँ भाई। और आग के सामने दोनों लोग बैठ कर इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर आरोही बताती है कि तुम ये जो आग सेक रहे हो ना, इसमें तुम्हारी नोट भी है।